स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.2 शुरू करेंगे, और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। और प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ एक आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की सतह का आकार समलंब जैसा है, कैसा है, समलंब आकृति का है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ठीक है, तथा इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, मैं उसके ऊपरी पृष्ठ का चित्र बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, जो इस प्रकार की एक टेबल है, और इसमें ये जो दोनों समांतर भुजाएँ हैं इसकी हमें लंबाई दी हुई है। तो नीचे तो आपके लंबाई है 1.2 मीटर इस भुजा की, और ये ऊपर वाली जो भुजा है इसकी लंबाई आपके है 1 मीटर, और इनके बीच की जो दूरी है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ की दूरी वो आपकी कितनी है। तो देखो, दूरी हमेशा 90 डिग्री वाली लाइन होती है, तो ये दूरी जो आपकी दी हुई है वो है 0.8 मीटर। समझ में आया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इंटू ऊंचाई। ये सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। यहाँ ऊंचाई की जगह हम समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी और ऊंचाई दोनों ही आपके 90 डिग्री वाली लाइन होती है। चलो, अब जो हमने लिखा है हम इनका मान लगा देते हैं। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएँ कौन सी है, एक ये और एक ये, और इनका योग यानी इनकी जोड़ करनी है, यानी कि मुझे 1 और 1.2 को जोड़ना है। फिर यहाँ गुणे का निशान, और ऊंचाई कितनी है इनकी, 0.8। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक जो दिया है इनको सॉल्व करेंगे। जैसे ही इसको जोड़ूंगा ये कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ है 1/2 इंटू 1 और 1.2 कितना हो गया, 2.2, फिर इंटू 0.8। अब देखो, बट्टे वाली संख्या है, तो ये इनके नीचे क्या है, एक है, याद रखना। तो अब ऊपर और नीचे हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं या इनको काट सकते हैं। तो हम भाग देंगे, अगर 2.2 में 2 का तो कितनी बार जाएगा, 1.1 बार। तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ 1.1 बार। अब 1 × 1.1 × 0.8, इन सब का गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, 1 × 1.1 × 0.8। तो 1 का तो हम इससे गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब हम 1.1 का 0.8 से गुणा करेंगे, तो 8 × 8 और 8 × 8। लेकिन अब देखो कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और अंक कितने हैं, 2, 1, 2। तो आपको पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, 1, 2, क्योंकि 2 अंक है पॉइंट के बाद में, है ना। तो 1, 2 और यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ आगे कुछ नहीं है, तो आप 0 लगा सकते हो। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 0.88। अब ये मीटर में था तो उत्तर भी हमारा मीटर में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। तो या तो मैं आप इसको आप वर्ग मीटर ऐसे हिंदी में लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.88 मीटर की घात 2। ये गणित में है और ये हिंदी में है। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल का जो उत्तर आता है वो वर्ग मीटर में आता है। प्रश्न संख्या 2 है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो, सूत्र तो हमारे पास है ना। सूत्र क्या होता है, पहले हम इनके मान लिख देते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, वो हमें कितना दिया इसमें, तो वो हमें दिया 34 वर्ग सेंटीमीटर,
फिर एक भुजा की लंबाई भी दी, तो एक भुजा की जो लंबाई है वो हमको दी, कितनी दी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें एक ऊंचाई भी दी हुई है, यानी दूरी भी दी हुई है। फिर यहाँ लिख सकते हैं जो आपके समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो भी हमें दी हुई है, और वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है, हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सूत्र याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है एक बार वो लिख दो आप, फॉर्मूला क्या था, सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या फिर दूरी, दोनों आप यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख सकते हो। चलो दूरी लिख देता हूँ, इंटू दूरी, इंटू दूरी। ठीक है, अब जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। अब माना दूसरी भुजा, यहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना दूसरी जो भुजा है, दूसरी भुजा वो मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, एक भुजा हमें दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरी हमें दी क्या, दूसरी भुजा हमें नहीं दी, है ना। तो 1/2 × समांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों की जोड़, तो हम करेंगे 10 + x, क्योंकि एक भुजा तो 10 है और दूसरी हमने क्या मान ली, x मान ली। फिर इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 4। अब ये तो जुड़ेंगे नहीं, ये जुड़ने वाले हैं नहीं, तो अब हम क्या करें, इस 2 को इस 4 से काट सकते हैं। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो नीचे तो 1 बचा, तो इसको हटा दो। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 10 + x × 2। अब वितरण नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा देखो एक चीज़ हम भूल गए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और वो कितना है, 34। तो इसके नीचे हम 34 लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको दी हुई है, तो यहाँ भी 34 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, कि समीकरण में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब यहाँ पर ऐसे हो a:b+c, तो a का गुणा b से भी होगा और a का गुणा c से भी होगा, तो इसको हम ab+ac लिख सकते हो। इसी प्रकार 2 का गुणा 10 से भी होगा और 2 का गुणा x से भी होगा, तो ये तो है 34 बराबर 2 का गुणा 10 से भी होगा, फिर प्लस 2 का गुणा x से भी होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये है 34 बराबर 2 का गुणा 10 से हो गया 20, प्लस 2 का गुणा x से इसको हम लिख सकते हैं 2x, ये गुणे का निशान हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो आगे आपको इसके नीचे करना है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, यानी इस पूरे को इस साइड में और इस पूरे को इस साइड में, तो इसको हम 20 + 2x = 34 ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण में हम क्या करते थे कि हमें x ज्ञात करना है, तो ये यहीं रहेगा बाकी उधर जाएगा, तो ये जो 2x और 34 है ये अपनी जगह पर रहेंगे, ये 20 उधर जाएगा, और ये 20 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो 2x = 34 में से 20 गया, कितना बचा, 14 बचा, है ना। अब ये देखो ये 2 गुणे में, तो समीकरण का नियम क्या कहता है कि जब संख्या गुणे में हो तो उधर भाग में जाती है, यानी बट्टे में, तो ये x = 14 ये तो अपनी जगह पर है, ये 2 जो है गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, बट्टा मतलब भाग देना। तो हम जैसे ही 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा, और ये क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ सेंटीमीटर में हैं। तो दूसरी भुजा हमने निकाल दी, x बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, समलंब चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा है बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसे आपको ये प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक समलंब के आकार का खेत ABCD, बाड़ की लंबाई, यानी इस खेत के बाड़ की लंबाई, बाड़ यानी कि ये पूरी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है,
120 मीटर है, यदि BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB के समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। ठीक, देखो प्रश्न बहुत सरल है, हम इसको दूसरे तरीके से निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये कैसा चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है ना, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद है, लेकिन हम वो सूत्र कब लगा पाएंगे, जब हमें ऊंचाई पता हो। लेकिन इसमें सारी भुजाएं दी लेकिन AB हमें नहीं दिया है ना, तो अब यहाँ एक चीज़ हमें दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब खेत के बाढ़ की लंबाई, ठीक है, यानी ये पूरी टोटल लंबाई कितनी दी हुई है, 120 मीटर दी हुई है ना। अब समलंब खेत की लंबाई, इसका मतलब क्या, अगर मैं ये AB जो है ये X मान लेता हूँ, मुझे तो ये दूरी चाहिए, तभी मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर सकता। अब बाढ़ की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ये पूरी लंबाई, इसका मतलब इन सबको जोड़ो, ये कितनी है 48 प्लस, ये कितनी है 17 प्लस, ये कितनी है 40, फिर इसको भी हम जोड़ेंगे X, और इन सब को जोड़ने पर इस पूरे की लंबाई कितनी आएगी, 120 मीटर आएगी। अब ये तीनों तो जुड़ेंगे लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, अब 40 और 40 80 और 8 88 और 17 हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 105 मीटर, बराबर इधर कितना है 120, एक मिनट, ये तीनों जुड़ के कितना हो गया 105, फिर प्लस X, ये बन गया हमारा समीकरण, हमें X चाहिए, 105 को हम उधर भेजेंगे तो X बराबर 120, ये 105 प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 105, घटाएंगे कितना आएगा 15 मीटर। तो ये जो हमें ऊंचाई है, ये क्या है हमारी ऊंचाई है या दूरी है ना, तो ये हमें ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सूत्र लगाएंगे, भाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो एक तो है 40 और दूसरी है 48, इंटू ऊंचाई कितनी है, कितनी निकाली मैंने 15, अच्छा 1/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 88 इंटू 15। अब देखो ये दो, ये इसमें भाग जाएगा, ये 2 × 1 = 2, ये 2 × 8 और 2 × 8 कितनी बार गया, 44 बार। अब 44 एक और 15 का गुणा करेंगे, यानी हमें करना किसका गुणा है, 44 और 15 का, मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, 15 × 60 हासिल के 6, 15 × 60 और 6 = 66, अच्छा ये किस में था, मीटर में था, तो अब क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो उत्तर क्या आएगा, वर्ग मीटर, या तो ऐसे लिखो या फिर आप इसको गणित में ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बाढ़ कर देना है ना, बाढ़, चलो ये आपका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, यानी ये एक चतुर्भुज है और यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है, ये विकर्ण है, ये खेत का क्या है, विकर्ण है, समझ में आया, चलो कितना मीटर है, 24 मीटर है, और से सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, और इस विकर्ण पर देखो दो लंब यानी 90 डिग्री वाली रेखा है, ये 90 डिग्री की रेखा, ये भी 90 डिग्री की रेखा, एक तो 8 मीटर है और एक 13 मीटर है। चलो आगे क्या कहता है प्रश्न, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमें ये नहीं बताया ये वर्ग है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है, क्या है, हमको नहीं बताया, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये होता है त्रिभुज, ठीक है, अब त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होती है, 90 डिग्री वाली रेखा, तो इसमें 2 90 डिग्री वाली रेखा है, चलो ऊंचाई हमें दी हुई है, 2 त्रिभुज है इसके अंदर,
दोनों की ऊंचाई दी हुई है। अब आधार क्या होता है कि जो ऊंचाई हमें दी हुई होती है 90 डिग्री वाली, उससे ये जो 90 डिग्री वाली भुजा जिससे जुड़ती है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है आधार। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा, है ना। तो अब करना कैसे है ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ नंबर दे देते, ये हमारा हो गया त्रिभुज नंबर एक और ये हो गया हमारा त्रिभुज नंबर दो, नंबर दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अच्छा इसको नाम भी दे देते हैं, ए बी सी और डी, नाम दे दिया। अब त्रिभुज एक का क्षेत्रफल यानी एरिया, वो कैसे निकालना। तो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही सूत्र होता है। ठीक, तो 1/2 इंटू आधार क्या होगा, तो नंबर एक त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन इससे जुड़ रही है, तो ये आपका आधार हो गया, कितना हो गया 24। फिर ऊंचाई इसकी कितनी, हमने नंबर एक त्रिभुज लिया तो इसकी ऊंचाई है 13। अब देखो दो का पहाड़ा यानी दो का भाग इसमें जा रहा है, तो हमने इसको काट दिया, कितनी बार कटेगा 12 बार, आप भाग देना 24 में दो का, ठीक है कितना जाएगा 12 बार जाएगा, आप देख के देखना, है ना। तो चलो 12 बार गया, अब गुणा करा दो 12 × 3, तो दोनों को गुणा करो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 13 है, 3 नहीं है, माफ करना, गुणा करते हैं इसका। तो 12 × 2 = 36, ठीक है हासिल के 3, 12 × 1 = 12, 12 × 3 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 156 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। चलो तो एक त्रिभुज तो आ गया, अब दूसरा त्रिभुज भी निकालते हैं। चलो त्रिभुज दो का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र भी क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार इसका कितना है, तो देखो इस त्रिभुज से ये जुड़ा हुआ यानी 24 हो गया, और ऊंचाई अब की बार कितनी है 8, तो इससे मैंने काट दिया इसको 12 बार। अब 12 और 8 का गुणा कर दो, तो 12 × 8, 12 × 8 = 96 वर्ग मीटर, ऐसे गणित में लिख देते हैं इसको, मीटर की घात 2। यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, हमें क्षेत्रफल इस खेत का निकालना है ना। तो हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एक का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दो का क्षेत्रफल, ठीक है समझ आ गया। चलो अब त्रिभुज एक का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 156, त्रिभुज दो का क्षेत्रफल कितना निकाला 96, दोनों को जोड़ो 6 और 6 = 12 हासिल का 1, 9 और 1 = 10, 5 = 15 हासिल का 1, 1 और 1 = 2, 252 मीटर स्क्वायर, तो ये खेत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें इस पूरे खेत का क्षेत्रफल चाहिए था, लेकिन हमें क्या दिया हुआ था, दो त्रिभुज दिए हुए थे। अब खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो इस पूरे खेत का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, है ना, एकदम सरल है ना। चलो ठीक है, यहाँ क्या है, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दो का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 5 है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सम चतुर्भुज क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, वो भी देख लो। सम चतुर्भुज में क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है, तो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है बराबर भी होती है, इसको हम कहते हैं सम चतुर्भुज, ठीक है। और इसका इसके दो विकर्ण जो होते हैं वो बराबर, यहाँ पर ये दो विकर्ण होंगे, ठीक है।
अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब मान लो ये विकर्ण आपका ए है, ये विकर्ण बी है, तो क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका विकर्ण का सूत्र हो गया। ठीक है, सॉरी, इसका सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो हमारा ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दिया क्या है, इसके विकर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, तो सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई जिसको हम ए मान लेते हैं, वो कितनी है, वो आपके दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक है, वो उसको हम क्या मान लेते हैं, बी, और वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइनली इसमें फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। चलो, तो अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ मैंने एक विकर्ण ए लिया, दूसरा बी लिया। चलो, अब क्या करना, मान लगाना, ए कितना है 7.5 इंटू बी कितना है 12। चलो, अब देखो 7.5 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब 7.5 और 6 का गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 6 पंजे 30, 7 हल्का 3, 7 छंग 42, 42 और 3 45। अब यहाँ देखो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो उत्तर आया 45.0 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। 45.0 का मतलब 45 ही होता है, ध्यान रखना। आप ये मत कहना कि सर आपका उत्तर गलत है, 45.0 का मतलब 45 ही होता है। प्रश्न संख्या 6 है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमें मान, जो चित्र दिया हुआ है, हम पहले वो बना लेते हैं। तो सम चतुर्भुज है हमारे पास एक इस प्रकार का, ठीक है, उसके एक विकर्ण की लंबाई हमको दे रखी है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 है, तो ये मेरे पास हो गई 8, और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी है ना। इसमें और क्या क्या दे रखा है, तो सम चतुर्भुज इसका जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें इसकी क्या क्या माप दे रखे हैं, तो एक इसकी भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो सारी ही भुजा कितनी हो गई, 6-6 की हो गई, क्योंकि सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती है। और उसमें एक हमें शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से ऐसे 90 डिग्री का लंब भी दे रखा है, यानी ऊंचाई भी दे रखी है, और वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें बताना है। तो ये इनके मान है ए, फिर उसके बाद ये है ई, बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो, क्षेत्रफल इसका कैसे ज्ञात करते हैं पहले समझ लेना। जो सम चतुर्भुज होता है उसमें एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, कि अगर इसमें हम विकर्ण खींचते हैं, ठीक है, तो इसके 2 त्रिभुज बनते हैं, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। इसका जो पहले त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होता है उतना का उतना इसका भी क्षेत्रफल होता है। तो अगर इन दोनों में से हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उतना के उतना उसका भी क्षेत्रफल आएगा। इस प्रकार से हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमने पढ़ा। ऊंचाई क्या होती है, 90 डिग्री वाली रेखा, और आधार क्या होता है, इस 90 डिग्री से जुड़ी हुई रेखा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, ये इस प्रकार का,
ठीक है, डी ए बी ये एक त्रिभुज है, नीचे वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर और यहाँ 90 डिग्री वाली लाइन हमें दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये एक और एक दो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल जितना आएगा उतना उतना क्षेत्रफल इसका भी होगा इस त्रिभुज का, ठीक है। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 आएगा, ये 24 है तो ये भी 24 आएगा। तो हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं कितना आता है। देखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, आधार क्या होगा, जिससे ऊंचाई जुड़ी हुई है, ये 90 डिग्री वाली लाइन इससे जुड़ी हुई, तो ये आधार कितना है 6। ऊंचाई आपकी 90 डिग्री वाली रेखा कितनी है 4। अब देखो यहाँ से ये कट गया 3 बार, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब 3 और 4 का गुणा करना है तो 4 × 3 = 12, और ये किस में है सेंटीमीटर में है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। तो ये तो हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी डी यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। वो कैसे मिलेगा, इसमें कितने त्रिभुज है 1 2, यानी दोनों त्रिभुज यानी 12 और 12 को जोड़ दो, ठीक है, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर की घात 2। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 12 + 12 कर देंगे बराबर 24 सेंटीमीटर की घात 2, ये हमारा आ जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें एक चीज़ और ज्ञात करनी है, देखो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है इसका एक विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो चलो अब विकर्ण कैसे ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमें वापस फॉर्मूला लगाना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र क्या होता है इसका 1/2 इंटू ए इंटू बी यानी विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो एक विकर्ण तो हमें कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण तो हमें दिया हुआ है 8, यानी ए हमारा हो गया 8 और बी हमें ज्ञात करना है ना। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 24, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 24, ये हो गया 1/2 इंटू एक, एक विकर्ण हमारे पास है 8, दूसरा विकर्ण हमने बी मान लिया। अब देखो ये कट रहा है कितनी बार 4 बार, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया 24 = 4 इंटू बी, हमें बी चाहिए तो 4 को हमें उधर भेजना है, ये गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो 24/4 भाग मतलब बट्टा, ठीक है। इधर क्या बचा बी, भाग जा रहा है इसमें 4 × 1 = 4 और 8 × 32 ज़्यादा हो जाएगा 6 × 24 है ना, तो बी बराबर कितना आया 6, तो बी बराबर हमारा यानी दूसरा विकर्ण आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हो दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, प्रश्न क्या है कि हमारे पास में एक भवन की फर्श है जो कुछ इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या करनी है, हमें टाइलें फिट करनी है, क्या फिट करनी है टाइलें, और टाइलें किस आकार की है सम चतुर्भुज आकार की है, ठीक है, एक ऐसी टाइलें। तो ऐसी ऐसी टाइलें मुझे इसमें बहुत सारी फिट करनी है इसके अंदर, ठीक है, और ये टोटल टाइलें कितनी है 3000 है और हमें इस पूरे के अंदर लगानी है वो टाइलें, ठीक है। ये इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे है ना, फिर हम क्या करेंगे टोटल कितनी है 3000 टाइलें हैं, तो 3000 को एक टाइल से गुणा करेंगे तो यहाँ जितनी इस यहाँ पर कुल कितनी टाइलें 3000, तो 3000 का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। समझ में आया,
चलो अब इसको करना कैसे है वो लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एक टाइल के विकर्ण, क्योंकि समचतुर्भुज है, के विकर्ण क्या है? ए बराबर तो हम मान लेते हैं, एक विकर्ण को हम मान लेते हैं ए, और उसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है अंदर, तो देखो एक तो 45 है और दूसरी 30 सेंटीमीटर है, और बी हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ये कौन सी आकृति है? समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 इंटू, एक विकर्ण तो हो गया 45 और दूसरा विकर्ण हो गया 30। अब इन दोनों में सम कौन सी है? 30, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, भाग देंगे 2 × 2 और 15 × 2 = 30, कितनी बार जाएगा? 15 बार। हमें क्या करना है? 45 का 15 से गुणा करना है, गुणा करेंगे 15 × 75 हासिल के 7, 15 × 4 = 60, 60 और 60 कितना हो गया? 67, ये हो गया आपके वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमने ये टाइल ली है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 675 वर्ग सेंटीमीटर। हमें तो उस फर्श का ज्ञात करना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भवन यानी फर्श का कुल क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे? एक टाइल कितनी है? 675, हमें कितनों का निकालना है? 3000 टाइलें हैं हमारे पास, तो 3000 का हम 675 से गुणा कर देंगे। गुणा करना आसान है, कितने जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, यहाँ 3 जीरो है तो पीछे 3 जीरो आ गई। अब 3 का गुणा इससे करो, 5 × 3 = 15, हासिल का 1, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, हासिल के 2, 6 × 3 = 18 और 2 = 20। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 225,000, है ना, 20,25,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्श का क्षेत्रफल आया हमारे पास में। हम इसको मीटर में बदल देते हैं, क्योंकि जो फर्श होता है वो मीटर में मापा जाता है ना, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो 20,25,000 आया है, ठीक है, इसमें हम भाई एक सेंटीमीटर में कितने मीटर हो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो यहाँ मीटर स्क्वायर का मतलब 100 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 × 100 का भाग देंगे, 100 × 100, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर यहाँ 10 है ना, तो इसका भाग हम कैसे देते छोटी कक्षाओं में? तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पॉइंट लगा दो, क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, है ना, यहाँ क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, तो इसका हमें क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे, सीधा डायरेक्ट भाग। तो यहाँ जब इसका हम भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, उत्तर आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। कुल क्षेत्रफल आ गया, उसके बाद ये प्रश्न क्या कह रहा था? इसके बाद प्रश्न कह रहा था कि अगर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श पर पॉलिश करने का व्यय आता है तो कुल व्यय कितना हुआ? यानी ये कहता है कि ये जो हमारी टोटल पूरी फर्श थी, ठीक है, इसका जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसका एक मीटर का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 4 रुपये, यानी इतने सा का हम कर रहे हैं एक वर्ग मीटर का, ठीक है, उसका खर्च 4 रुपये, तो इतना 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 इतना, 4 4 4 4 सब जोड़ो, है ना, पूरे का खर्च कितना आएगा वो बताना है। तो हमें क्या करना है कि जो उत्तर आया है भाई, एक वर्ग मीटर का खर्च 4 रुपया, कुल वर्ग मीटर कितना है? 202.5, तो इससे गुणा कर दो, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल व्यय बराबर 4 × 202.5 से कर दो, तो गुणा करो, देखो 5 × 20 हासिल के 2, 4 × 2 = 8 और 2 × 10 हासिल का 1, 1 × 1, ठीक है, फिर 4 × 2 = 8, फिर ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो कुल व्यय जो हमारा आया वो आया 810 रुपये।
समझ में आया? सरल है, बहुत सरल है ना? प्रश्न संख्या 8 है, मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। तो ये आपकी एक समलम आकृति हो गई, ये आपका खेत हो गया, ठीक है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। तो ये जो नदी है, इसकी ये जो एक भुजा है वो इस सड़क की एक भुजा के क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर है ना। फिर आगे क्या है देखो, और लंबाई में दुगनी है। तो जितनी ये है उससे दो गुनी ये है, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि ये इससे दुगनी है, ठीक है। ये प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि ये इससे दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये जो खेत हमने खरीदा है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, अंदर का जो भाग है वो कितना दिया हुआ है, वो भाग हमें दिया हुआ है 10,500 वर्ग मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। तो पहले हमें इस प्रश्न में क्या है, ये एक समलम चतुर्भुज का खेत है। तो हम लिख देते हैं, खेत समलम आकार के खेत की समांतर भुजाएं माना। देखो, अगर ये भुजा x है तो ये कितनी होगी, 2x, क्योंकि ये इससे क्या है, दुगनी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, माना समलंब आकार के खेत की समांतर भुजाएं बराबर x तथा 2x है, क्योंकि एक अगर x है तो दूसरी इससे दुगनी है। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें वो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्योंकि ये समलंब आकार है ना, इसका मतलब 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई है ना। फिर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों का योग, एक्स प्लस 2x, ये एक्स है, एक्स प्लस 2x इंटू ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमें दे रखी है 100 मीटर। अब देखो, 2 और यहाँ पर 100, और यहाँ खेत का क्षेत्रफल लिखना है। खेत का क्षेत्रफल कितना है, 10,500, ये खेत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, यहाँ हम ये गुणा वाला सॉल्व करना है। तो 2 का भाग 100 में जा रहा है, कितनी बार, 50 बार, आप भाग देना 50 बार जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, 10,500 बराबर यहाँ बचा x और 2x है ना, इनको भी जोड़ दो, 2x और x कितना हो गया, 3x, तो ये जुड़ गए, कोष्ठक हट गया, इंटू यहाँ कितना है, 50। अब 50 और 3 का गुणा होता है, गुणा कर दो, तो ये हो गया 10,500 बराबर 5 × 3 = 15 और ये 0, 150, इन दोनों का गुणा 150 और यहाँ आ गया x। अब हमें x ज्ञात करना है, तो ये गुणे में है, हम इसको इधर भेजेंगे, गुणे में है तो ये किस में आएगा, बट्टे में आएगा। अब आगे का मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये x बराबर यहाँ कितना है, 10,500, अब ये 150 गुणे में है तो इधर किस में आएगा, बट्टे में, तो ये आ गया नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया है ना। अब 15 का भाग जब हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, है ना, 15 × 7 = 105, 7 और ये 0, तो उत्तर x बराबर कितना आएगा, 70 आएगा। तो हमारे पास एक भुजा जो x थी है ना, तो एक भुजा ये इसके नीचे करना है ना, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे यहाँ जो लिख रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। एक भुजा बराबर कितनी आ गई, 70, और दूसरी भुजा बराबर कितनी है, 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना निकाला, 70, तो 70 × 140 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। तो दूसरी भुजा कितनी आई, मीटर है, चलो 140 मीटर। तो एक भुजा आएगी 70, ये वाली 70 मीटर, तो ये इससे दुगनी, यानी कि 140 मीटर है ना। सरल, एकदम सरल है,
प्रश्न संख्या 9 है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। तो यहाँ हमें एक अष्टभुज जैसा एक चबूतरा दिया हुआ है। चबूतरा क्या होता है, जहाँ पर कबूतर दाना चुगते हैं उसको हम चबूतरा कहते हैं। तो ये एक चबूतरा दिया हुआ है और इसकी आकृति कैसी है, अष्टभुज है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अष्टभुज में होता क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये अष्टभुज कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है। ये आपका हो गया अष्टभुज। अब जब यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, तो ये जो चतुर्भुज बनता है वो बनता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और दूसरा ये जो चतुर्भुज बनता है नीचे वाला, वो भी बनता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ये जो बीच में है वो आपका होता है आयत, ठीक है। और हमें इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे का कैसे करेंगे, जब मैं एक समलंब, एक आयत और दूसरी तीसरा समलंब चतुर्भुज, इन सब का क्षेत्रफल निकालूंगा, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबको जोड़ दूंगा, तो इस पूरे का हमें क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर जो आकृति एक है, यहाँ पर भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, इनके माप क्या होंगे। तो देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में जो दो भुजाएँ होती है वो समानांतर होती है, ठीक है। जैसे ये भुजा समानांतर है, तो इसमें देखो यहाँ ये भुजा कितनी दी हुई है, 11, ठीक है। तो ये नीचे वाली भी कितनी हो गई, 11, ठीक है। अच्छा ये नीचे वाली भुजा ऐसे, ये नीचे वाली भी कितनी हो गई, 11। अब हमें चाहिए ये ऊपर वाली भुजा। तो ध्यान रखना, जितनी भुजा ये होती है उतनी की उतनी ये होती है अष्टभुज के अंदर। तो ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई, ठीक है। तो ये भुजा आ गई मेरे पास 5, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का क्या सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर भुजाएं यानी ये दोनों भुजाएं, ये दोनों समांतर है, तो इनका योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। यही काम आपका दूसरे वाले में भी करना है, और दूसरा वाला भी सेम है, ठीक है। ये भी यहाँ पर 14 आ गया, तो ये भी सेम है ना। तो इन दोनों का तो क्षेत्रफल सेम आ जाएगा। फिर बचा हमारे पास में ये आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो अब इस अष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। अष्टभुज, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर क्या है दूसरे नंबर पर आयत का क्षेत्रफल, फिर वापस तीसरे नंबर पर क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊपर क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस वापस समलंब चतुर्भुज 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब यहाँ ए कितना है, तो ध्यान रखना एक आपका, एक तो 5 है, बी कितना है, ये नीचे वाली भुजा कितनी है, 11 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर 14 है, ठीक है। अब लंबाई कितनी है, तो देखो लंबाई 11 है, एल आपका 11 है, और चौड़ाई कितनी यानी बी कितना है, तो बी यहाँ पर कितना है, 5 है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इनके मान लगाओ, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी यानी 5 + 11 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है, 14, फिर प्लस का हिस्सा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 11, चौड़ाई 5, तो 11 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू ए प्लस बी यानी कि 5 + 11 इंटू एच, एच कितना है, 14। अब
इन दोनों को जोड़ो पहले, तो 1/2 इंटू 11 और 5 कितना हो गया, 16 इंटू 14 प्लस 11 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू इनको जोड़ो 16 इंटू 14। इसको सरल करेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 और 14 का गुणा करो तो 8 इंटू 14 का गुणा, ठीक है, तो 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 कितना आ गया 112 प्लस 11 का 5 से गुणा 55 प्लस, ये भी आपका 8 बार कटेगा, 14 और 8 का गुणा 112, इन तीनों को जोड़ दो तो 112 प्लस 112 प्लस 55, तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 5 6 और 1 7 फिर 1 कितना आया 179, फिर ये क्या था मीटर, तो वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर होगा। उत्तर देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ देखो उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो यहाँ गड़बड़ ये है, देखो किताब में यहाँ 14 नहीं 4 है और मैंने यहाँ 14 ले लिया, तो ध्यान रखना यहाँ पर 4 है भाई, तो ऊंचाई में यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। चलो इसको वापस करते हैं, तो अगर हम ध्यान से प्रश्न नहीं देखेंगे तो हम गलत कर सकते हैं, है ना, इसका ध्यान रखना। 1/2 इंटू 5 और 11 कितना हो गया 16 इंटू 4 प्लस ये हो गया 11 इंटू 5 फिर प्लस 1/2 इंटू 5 और 11 16 इंटू 4 ये कटेगा 8 बार। अब 8 और 4 का गुणा 8 चौक 32 प्लस 11 और 5 का गुणा 55 फिर प्लस का निशान, ये भी कटेगा 8 बार, 8 चौक 32। अब इनको जोड़ो 32 32 और 55 तो ये हो गया 9, 3 3 6 6 और 5 11 कितना आ गया 119 वर्ग मीटर, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, एक पंचभुज का बगीचा है, पंचभुज यानी 5 आकृति वाला एक बंद बहुभुज, तो ये पंचभुज है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इस आकृति में दर्शाया गया है। इसमें देखो ये जो दोनों साइड है, ये वाली और ये वाली, ये है 15 मीटर की, नीचे वाली भी 15 मीटर की है, और ये जो पूरी लंबाई है यानी यहाँ से लगाकर नीचे तक वो है 30 मीटर, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके लिए क्या है, ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया, ये ज्योति के अनुसार पंचभुज ज्ञात, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी चाहती है, और ये कविता जो है इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहती है, दूसरी विधि हो तो वो भी बताओ। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, हम ज्योति के तरीके से देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ज्योति ने क्या किया, देखो ज्योति ने जैसे ये पंचभुज था, ठीक है, तो इस पंचभुज में क्या किया, यहाँ से इसने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, ठीक है, ये 90 डिग्री की लाइन खींच दी। ऐसा करने से हुआ क्या, अब देखो ये दोनों तो है समांतर, ये दोनों समांतर भुज है ना, यहाँ दो आकृति बनी, ये एक और ये दूसरी, तो आकृति एक कैसी है, तो आप देखो आकृति एक कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, और इसमें दो भुजाएं समानांतर है, तो ये कौन सी आकृति बनी, समलंब चतुर्भुज बन गया, क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, तो अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इसमें चाहिए समांतर भुजाएं, तो ये हो गई आपकी, ये दोनों हो गई समांतर भुजाएं, तो ये आपकी कितनी है 30 मीटर, ये कितनी है 15 मीटर, तो समांतर भुजाओं का मार्ग भी आ गया, क्योंकि ये देखो ये पूरी 30 है यहाँ से यहाँ तक और ये 15 है। चलो फिर उसके बाद में इसकी ऊंचाई है ना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो जो हमने ये लंब डाला है वो इसके बीचों बीच डाला है, यानी ये यहाँ पर बीचों बीच, अब ये पूरी कितनी है, ये पूरी आपके 15 मीटर है, तो अब इसको आधा कर दो, 15 का आधा कितना हुआ 15/2, या तो 15/2 लिख के करो या इसका भाग देकर फिर इसको इसकी जो है वो माप निकाल दो, इसका माप कितना हुआ 15 में 2 का भाग दो, 2 × 7 = 14, पीछे बचा एक पॉइंट लगा 0 है ना, और 2 × 5 = 10, तो 7.5, या तो 15/2 लिखो, 15/2 लिखो या फिर 7.5 मीटर लिखो, ये 7.5 और ये भी 7.5। अब देखो ये दोनों आकृति एक जैसी है, सेम टू सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा के जो उत्तर आएगा उसमें इसका क्षेत्रफल एक बार और जोड़ देंगे, तो हम ज्योति के तरीके से करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे ज्योति के अनुसार
ज्योति के अनुसार क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमें आकृति दी है उसका क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर ये कौन सी आकृति बन रही है, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अच्छा, समांतर भुजाएं क्या क्या, एक 15 है, दूसरी 30 है, तो 1/2 इंटू एक हो गई 15, दूसरी हो गई 30, और इन दोनों के बीच की ऊंचाई ये कितनी निकाली हमने, या तो 7.5 लिखो या फिर कितना लिखो, 15/2। तो हम 7.5 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो पूरी है वो कितनी है, 15 मीटर, तो यहाँ तक ये आधी हो जाएगी, तो आधी 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 7.5। अब पहले हमें इनको जोड़ना है, कोष्ठक हटाना है, चलो। तो 1/2 इंटू 15 और 30 कितना हो गया, 15 और 30 हो गया आपके पास में 45, इंटू ये कितना हो गया, 7.5। अब हमें क्या करना है, 45 में 2 का भाग देना है, ठीक है। तो हम 45 में 2 का भाग दे देते हैं, 2 × 4 पीछे बचा 0, 5, 2 × 4 पीछे बचा 1.0, 2 × 5 = 10, कितना आया, 22.5 इंटू 7.5, इन दोनों का गुणा कराओ। तो अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 22.5 और 7.5 का, 5 × 25 हासिल के 2, 5 × 2 = 10 और 2 × 12 हासिल का 1, 5 × 2 = 1 11, ठीक है, इंटू 7 × 5 = 35 हासिल के 3, 7 × 2 = 14, 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 हो गया 17 हासिल का 1, 7 × 14 = 15, ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 7 और 1 = 8, 5 और 1 = 6 और ये 1। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, कितनी हो गई, 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट, कितना आया, 168.75, और ये क्या है, वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। लेकिन अब ध्यान रखो, हमने केवल एक भाग का निकाला है क्षेत्रफल, ठीक है, हमने केवल इसका क्षेत्रफल निकाला है, अभी इसका बाकी है। अब जितना इसका क्षेत्रफल है उतना उतना इसका भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम पंचभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 168 पॉइंट आपका कितना है, 7.5 पॉइंट, इसमें एक बार और आप 168.75 जोड़ दो, ठीक है, क्यों, जितना ये क्षेत्रफल है उतना का उतना ये भी है, और इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ दो, तो 168.75 और 168.75 को जोड़ दो, 5 और 5 = 10 हासिल का 1, 7 और 7 = 14 और 1 = 15, फिर उसके बाद हासिल का 1 8 और 8 = 16 और 1 = 17, फिर 1 6 और 6 = 12 और 1 = 13 हासिल का 1 कितना हो गया, 3, तो ये हो गया आपके पास 337.50 वर्ग मीटर, यानी मीटर की घात 2। तो ये किसके तरीके से निकाला हमने, ये निकाला ज्योति के अनुसार, और बहुत सरल था, है ना, फॉर्मूला लगाया, मान लगाए, उत्तर आ गया। अब हम करेंगे कविता के अनुसार, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाऊंगा। तो अब हम कविता के अनुसार निकालते हैं, तो यहाँ आ गई अब कविता, कविता के अनुसार, ठीक है। तो कविता ने क्या किया कि ये जो आपका पंचभुज था इसमें उसने क्या करा, इसके समानांतर एक लाइन कीजिए, किसके, इसके समानांतर एक लाइन कीजिए, ठीक है। तो जब इसके समानांतर लाइन खींची तो ये आपका क्या बन गया, आयत बन गया, ठीक है, क्या बन गया, आयत बन गया, है ना। अच्छा, तो ऊपर तो है त्रिभुज और नीचे है आयत, अब ये पूरी लंबाई कितनी है भाई, ये पूरी लंबाई कितनी है ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे का नीचे तक आपके हो गई 30 मीटर, है ना, देखो ये पूरी लंबाई 30 मीटर है, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपके है 15 मीटर, यानी ये जो लंबाई है वो 15 मीटर है। तो ऊपर वाली कितनी हो गई, 15 हो गई भाई, 15 और 15 = 30 होता है ना, तो नीचे 15 ऊपर 15, समझ में आया, चलो ये लंबाइयाँ मेरे पास आ गई। अब क्या करना, तो अब हमें एक, ये देखो ये आपके नीचे आयत नहीं है, वर्ग है, ठीक है,
ये आयत नहीं, ये वर्ग है नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर नीचे तो हो गया वर्ग, ऊपर हो गया त्रिभुज। तो अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दूँ तो और इनको जोड़ दूँ तो मुझे पंचभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ सीधा यही लिख रहा हूँ कि पंचभुज का क्षेत्रफल, सीधा मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, एक वर्ग है और दूसरा आयत है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अच्छा, इसकी भुजा कितनी है, तो देखो ये कितनी थी 15, ये भी कितनी है 15, ये भी 15 और ये भी 15, सारी 15 15, इसलिए ये कौन सा हो गया, वर्ग हो गया। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें आधार, ये आपकी ऊंचाई है, ये हमने कितनी निकाली 15, और ये आधार भी कितना है 15, ठीक है। अब भुजा इंटू भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 15 इंटू 15, है ना, फिर प्लस 1/2 इंटू आधार कितना है, तो आधार आपका है 15 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी है 15, ठीक है। 15 और 15 का गुणा कितना हो गया 225, प्लस 15 और 15 का गुणा 225, और नीचे कितना है 2/2, फिर 225 प्लस 225 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2 0, उतारा 2 2 एकम 2, फिर 0 5, 2 दूनी 4, बचा 1.0, 5 दूनी 10, कितना आया 112.5। अब 225 में आप 112.5 जोड़ दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 3, सेम वही आया, देखो क्षेत्रफल कितना आया 337.5 वर्ग मीटर, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल तो उस इसमें ज्योति में था, वो क्षेत्रफल कविता का आया, लेकिन इनको ज्ञात करने का तरीका अलग अलग था, है ना। अब इसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर कोई दूसरी विधि हो तो वो भी बताओ, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा, एक और तरीका है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो चलो उसको पढ़ते हैं, वो क्या हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है। देखो इसमें जैसे कि मैं कैसे इसका एक इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ये पंचभुज है, मैं यहाँ पर बीच में जो एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ये आपका 15 मीटर है, ये भी आपका 15 मीटर है, और ये भी आपका 15 मीटर है, और ये साइड जो है वो भी 15 मीटर की है। और यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ, ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, ऐसे ये आगे बढ़ा दिया मैंने, इतना ये आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो ये 15 और ऊपर वाला 15, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा आपके कितना हो गया 30, और ये आपके क्या बन गया, ये आपके बन गया आयत, है ना। तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ, ठीक है, तो ये तो पंचभुज नहीं है, हमें तो पंचभुज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका, ठीक है। और ये जो दोनों साइड है इनको हमें हटाना है, इनको हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कैसा त्रिभुज बना, एक 90 डिग्री वाला, यानी समकोण त्रिभुज बना, और ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है ऐसे ऐसे, तो मुझे इनको हटाना है, इनको मुझे क्या करना है, हटाना है। और मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए, मुझे इस बीच वाले का क्षेत्रफल चाहिए, ये पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आयत में से इन दोनों को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज 1, ये हो गया त्रिभुज 2, और ये आपका क्या हो गया, एक आयत हो गया, ये पूरा क्या हो गया, आयत हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ, है ना, आप इसके सामने करना, मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ। कैसे आएगा ये पूरा, तो मैं क्या करूँगा, आयत का क्षेत्रफल इसमें से, इस पूरे आयत में से मुझे क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज निकालना है। तो त्रिभुज 1, एक काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, ठीक है, इसलिए मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है।
आज समझ में आई? या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, एक तो आप आयत का क्षेत्रफल निकालो, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई 30 मीटर है, इंटू चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर है। दोनों का गुणा करो, 15 दिया 45 हो गया 250 मीटर। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, यहाँ वर्ग मीटर होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मुझे इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज त्रिभुज एक व त्रिभुज त्रिभुज एक प्लस प्लस कर देता हूँ, त्रिभुज एक प्लस त्रिभुज दो का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आएगा 1/2 इंटू आधार, आधार इसका कितना है? तो देखो आधार ये पूरा कितना है? ये पूरा 15 है। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा, यानी 15/2, और हमने निकाला 15/2 कितना होता है? 7.5 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई ये कितनी है? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री वाली लाइन कितनी है? 15। ठीक है, अच्छा यही सेम काम हम यहाँ करेंगे, इंटू ए प्लस ए इंटू एच, यानी ए हमारा कितना हो गया? 7.5 इंटू ये कितना हो गया? 15। यानी कि जितना ये आएगा उतना के उतना ये आएगा। ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया, अब इसको आपको सीधा करना आना चाहिए। सीधा कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो ये आपको समझ में आ गया, दोनों सेम है, वो हमें इसमें से निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो इंटू दो का गुणा कर दिया, क्योंकि हमें लास्ट में भी इनको जोड़ना पड़ेगा, तो दो इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो दो से दो कट गया, कट गया ए इंटू एच, तो ए हमारा कितना है भाई? आधार इसका कितना है? 7.5। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 15। दोनों का गुणा करो तो 15 × 75 हासिल के साथ, 15 × 7 = 105, 105 और 7 कितना हो गया? 112 है ना, तो ये हो गया 112। अब देखो यहाँ पीछे पॉइंट छोड़, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, और ये हो गया वर्ग मीटर, या मीटर की घात 2 लिख देता हूँ। चलो अब हमें इसका क्षेत्रफल, ये लाल वाला, ये कब मिलेगा? जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, है ना, इस पूरे आयत में से जब मैं इन दोनों त्रिभुज को निकाल दूंगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को घटा दूंगा इस आयत में से, तब मुझे इस पंचभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो अब पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत में से, यानी 450 में से आपको कितना घटाना है? 112.5। चलो घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, फिर पॉइंट, 9 में से 2 गया 7, फिर 4 में से 1 गया 3, फिर 4 में से 1 गया 3, 337.5 वर्ग मीटर, यानी मीटर की घात 2। तो देखो तीनों स्थितियों में हमारा क्षेत्रफल सेम आया, है ना, समझ में आई बात। हमने क्या करा, आयत में से वो दोनों त्रिभुज निकाल दिए। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ 2 का गुणा किया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था उसमें हमने इसको जोड़ दिया, या फिर 2 का गुणा कर दिया, समझ में आया। चलो तो ये हमारा इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा, तो ये अन्य विधि हो जाएगी हमारी। प्रश्न संख्या 11 है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरे के बाहरी एवं अंतःविमाएं क्रमशः 24 × 28 और 16 × 20 सेंटीमीटर है। यानी इसके बाहर की जो फ्रेम है वो 24, तो इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 28। फिर अंदर की जो फ्रेम है वो लंबाई हो गई 16 और चौड़ाई इसकी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो 24 × 28 और 16 × 20। यदि इस फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, यानी कि ये जो चौड़ाई है ना, ये इसकी समान है, ये चौड़ाई होगी फ्रेम की, ये प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो हमें क्या करना है, इस फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक खंड की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो अब थोड़ा ध्यान देना आप, है ना, ये पी हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब ध्यान से समझना, ये भाग में इससे चौड़ाई ज्ञात कर रहा हूँ, ये भाग कैसा है, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसे ही है ना ये भाग। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है, जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी की उतनी यहाँ भी है, ठीक है। तो अब मुझे इसको ज्ञात करना कैसे करूँ, तो यहाँ देखो कि भाई इसकी बाहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 28 है, ठीक है, और अंदर के फ्रेम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 28 में से 20 को घटाएंगे, तो 28 में से 20 गया, कितना बचा, 8 बचा। लेकिन ये 8 क्या है, आपको पता है, 8 आपके ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों मिलाकर है, क्योंकि हमने इसमें से इसको घटाया, तो हमने इसको घटा दिया, तो पीछे क्या बचा, पीछे एक ये हिस्सा बचा और एक ये हिस्सा बचा, और दोनों हिस्सा समान है, क्योंकि चौड़ाई क्या है, समान है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 8 है। तो एक कितना हुआ, तो इसमें 2 का भाग दे दो, आधा कर दो इसको, तो कितना आया, 4। बात समझ में आई, चौड़ाई कैसे ज्ञात करनी है। तो चलो हम पहले इसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो हम पहले इसमें फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो फ्रेम की चौड़ाई, ठीक है, फ्रेम की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, कि हमने क्या किया, इस AD में से क्या निकाला, ये PS, यहाँ P है और यहाँ S, ठीक है, PS को निकाला और फिर इसमें क्या करा, 2 का भाग दिया, तो AD हमारा कितना है, 28, इधर 28 है तो इधर भी 28, इधर 20 है तो इधर भी 20, 28, फिर उसमें से 20 को निकाल दिया, तो इसमें से इसको निकाल दिया, फिर ये दोनों बच गए, लेकिन तो अपने को एक हिस्सा चाहिए, तो अब इसको आधा कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आधा किया, तो 28 में से 20 गया, 8, कितना बचा नीचे, 2, भाग देगी 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो फ्रेम की चौड़ाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब अगर इस फ्रेम का ये जो खंड है, हमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो ये 24 है, ये 16, इधर भी 24, नीचे 16, तो ये दोनों तो सेम हुए, है ना, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस फ्रेम को नाम दे देता हूँ फ्रेम 1, और ये दे देता हूँ आपके फ्रेम 2, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ फ्रेम 2, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रेम 1 व फ्रेम 2 का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, कैसा है, समान है। तो अब एक का निकालूंगा वही दूसरे का होगा, तो हम एक का निकाल देते हैं, तो फ्रेम 1 का क्षेत्रफल बराबर, अब बताओ ये कैसी आकृति है, तो ये आपकी कैसी आकृति हो गई, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, नीचे हो गया 24, ऊपर हो गया 16, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, है ना, 16+24 इंटू ऊंचाई कितनी आ गई, 4, 1/2 इनको जोड़ो, 16 और 24 को जोड़ो, तो 6 और 4 10 हासिल का 1, 2 1 3 और 1 4, 40 इंटू 4, 2 के पहाड़े में 40 आता है, कितनी बार भाग जाएगा, 20 बार। अब 20 और 4 का गुणा कर दो, 20 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना फ्रेम 1 का, वो कितना आएगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो फ्रेम 2 का भी वही क्षेत्रफल आएगा, है ना, क्योंकि ये भी 16, 24 और 4 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे फ्रेम 2 का क्षेत्रफल कितना आएगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो फ्रेम 1 और 1, 2 समान हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इन दोनों का जो है क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, चलो। तो यही लाइन, ये हो गया आपका फ्रेम 3 और ये हो गया आपका फ्रेम 4, तो इसको तो मैं नाम दे देता हूँ 3 और इसको नाम दे देता हूँ 4। तो मैं अब किसका निकालता हूँ, 1 का निकालता हूँ, है ना, ये फ्रेम 1 है, तो फ्रेम 3 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो अब देखो ये कैसा है, ये इस प्रकार से है, है ना, तो ये भुजा हो गई 20, ये हो गई आपके 28, लेकिन इसकी अब की बार इसकी जो ऊंचाई है ना,
वो ये वाली है, ध्यान रखना ये वाली, क्योंकि चौड़ाई समान है और वो कितनी है, चार है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो मान लगा दो, एक बटा दो इंटू ए प्लस बी, बीस प्लस अट्ठाईस, बीस प्लस अट्ठाईस इंटू ऊंचाई कितनी है, चार, तो एक बटा दो इंटू, दोनों को जोड़ो, ये हो गया आठ और ये हो गया चार इंटू चार। तो ये आपके इस दो के पारे से इसको काट दो की बात, तो ये कितनी बार कटा, दो बार। अब अड़तालीस और दो का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करो, आठ दूनी सोलह, हासिल का एक, चार दूनी आठ और एक नौ। तो अब की बार इसका जो क्षेत्रफल, इस फ्रेम का क्षेत्रफल कितना है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो इधर वाला भाग है यानी फ्रेम चार, वो भी कितना आएगा, फ्रेम चार का क्षेत्रफल वो भी कितना आएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 28 है और इधर वाला भी 20 है और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। थैंक यू।